नमस्कार। आज हम बनाएंगे दही बड़ा। तो दही बड़ा बनाने के लिए बनाना बहुत इजी है, बस थोड़ी मेहनत लगती है पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो दही बड़ा बनाने के लिए मैंने ये मूंग दाल, बिना छिलके वाली मूंग दाल, और ये धोइया उड़द की वो मैंने लिया है। एक कटोरी पूरा था तो फूल के थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, और एक कटोरी से थोड़ा सा 2 चम्मच कम था तो इसको मैंने थोड़ा कम रखा है, और धोइया को थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो मैंने 7-8 घंटे इसको भिगो के रख दिया था, तो अब ये फूल के अच्छे से मैंने धो के इसको निचोड़ लिया है, पानी निकाल दिया, और ये इसको अब हम मिक्सी के जार में डाल के मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, दोनों को इकट्ठे डाल, तो दोनों दाल को आप चाहें तो इकट्ठे ही भिगो दीजिए। तो इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसे हम सूखा सूखा ही ग्राइंड करेंगे। केवल 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच पानी डालेंगे। 2 चम्मच मैंने डाल दिया, और इसको थोड़ा दरदरा है हम ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल आटे के जैसे, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। तो ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया कि बिल्कुल बारीक नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही है, जैसे सूजी होता है वैसे ही दरदरा है। यह एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें हम निकाल लेंगे। मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया, मैंने एक बड़ा सा चम्मच लिया है, और चम्मच से हम इसको अब फेटेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट बिल्कुल बराबर एक ही डायरेक्शन में इसको फेटेंगे, जब तक ये फूल के मतलब डबल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको फेटते रहेंगे, बिल्कुल लगातार एक ही डायरेक्शन में ऐसे फेटते रहेंगे चम्मच से, या आप हाथ से भी फेंट लें। जितना अच्छा हम फेटेंगे उतने फूले फूले बड़े बनेंगे हमारे। तो देखिए मैंने इसको लगभग 8 से 10 मिनट मैंने बकाए थे इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट दिया, ये फूल के डबल हो गया है। इसका कलर भी इतना मैंने फेंटा, इसका कलर देखिए वाइट हो गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं ये हमारा मतलब अच्छे से फिटा कि नहीं। पानी में हम इसको डालेंगे, तो ये देखिए पानी में ऊपर आ गया, ये मतलब हमारा अच्छे से फिट चुका है। तो हम इतना ही फिटेंगे कि पानी में डालने के बाद देखेंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब इसमें नमक डाल देंगे, आधी चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, इससे क्या है टेस्ट बहुत आता। और ये 2-3 हरी मिर्च बारीक काट लिया है, हरी मिर्च और अदरक से अच्छा टेस्ट आता है बड़े में। इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डाला है, नमक डालने के बाद इसको, नमक हम फेंटने के बाद ही डालें, तो इसको भी हम एक से दो मिनट के लिए ऐसे एक ही डायरेक्शन में जिसमें हमने फेंटा था वैसे ही फेंट ले। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बड़े फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल हमारा हल्का गरम मतलब हल्के मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है, तो एक बाउल में मैंने पानी लिया है, हाथ पे ऐसे पानी लगा लेंगे, उसके बाद हम बड़े उठाएंगे। ये डाल देंगे, वो अपने सेब ले लेगा गोल होके, जब हमारा फूल जाएगा बड़े डालते, देखिए ऊपर आ जा रहा है। तो एक बार में इतने बड़े डालें जितने कढ़ाई में आ जाए। हम इसको दूसरी साइड कर देंगे, बड़ों के ऊपर तेल डाल देंगे ताकि पलटने पे चिपके नहीं। तो हम उनको मीडियम फ्लेम गैस पे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए घुमा घुमा के मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है, तो इतना ही हम इसको सेकेंगे। तो अब बड़े निकाल लेते हैं, तो ऐसे देखिए गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेते हैं। सारे बड़े को ऐसे फ्राई कर लेंगे, तो ऐसे देखिए बिल्कुल हमारे बड़े जो हैं बिल्कुल रुई के जैसे हो रहे हैं। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बड़े हमारे बिल्कुल रुई के जैसे, देखिए ये देखिए कितने सॉफ्ट कितने फूले फूले बड़े हो रहे हैं। तो जितना हम इसको फेटेंगे, फेटने पे मेन ध्यान दिया जाता है, उतने ही बड़े अच्छे बनते हैं। और डाइजेस्ट होने के लिए केवल अगर आप उड़द की दाल लेंगी
तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है, थोड़ा हैवी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने आधी मूंग की दाल और आधी उड़द की दाल ली है। तो आप भी बनाए तो ऐसे ही बनाए। देखिए कढ़ाई में डालने के बाद बड़े जो है वो डबल हो जा रहे हैं फूल के, तो जितना अच्छा आप फेटेंगे उतना अच्छे आपके बड़े बनेंगे। ये मैंने दही बड़ा बनाने के लिए दही लिया है, तो दही में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला है, 1/4 चम्मच काला नमक, उसकी वीडियो नहीं बन पाई है, और डालने के बाद मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद देखिए एकदम स्मूथ हो गया, तो इतना हम इसको दही को फेंटेंगे। मैंने बड़े डालने के लिए हल्का गुनगुना पानी लिया है, हल्का गुनगुना गर्म कर लिया इसे। अब इसमें डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हींग। डालने के बाद नमक और हींग को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मेरे जो बड़े सारे हैं, तो सारे नहीं डालेंगे, जितना आपको दही बड़े तुरंत बनाना है उतना ही डालिए, बाकी आप इसको फ्रीज में रख दीजिए, तो 4 से 5 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। डालने के बाद अच्छे से इसको डुबो देंगे, बाकी बड़े फ्रीज में मैं रख दूँगी स्टोर करके 3 से 4 दिन बाद, जब मर्जी अब निकालिए बनाइए और खा लीजिए। इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसको रखे देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है और हमारे बड़े भी बिल्कुल फूल गए हैं। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है, अब हम बड़े बनाएंगे इसमें। तो इसको हल्का हल्का ऐसे निचोड़ देंगे, पानी इसका निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं निचोड़ेंगे वरना ये टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट हो गया है। हल्का हल्का ही निचोड़ेंगे। तो इतने बड़े का मैं लगा रही हूँ, बाकी बड़े हटा दे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर दही डालेंगे। दही थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे हरी वाली चटनी। मैंने चटनी धनिया और पुदीना की बनाई है। तो चटनी मैंने लगा दिया इसके ऊपर, मैंने धनिया और पुदीने की चटनी बनाई थी। लगाएंगे ये मीठी वाली चटनी, ये इमली की चटनी है। तो चटनी भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब कुछ मसाले लगा देंगे, ये मैंने चाट मसाला लिया है, हल्का सा डालेंगे। चाट मसाले के बाद काला नमक हल्का सा डालेंगे, क्योंकि पानी में भी नमक है, बड़े में भी नमक है, तो चटनियों में भी, चटनी में भी, हरी ग्रीन वाली चटनी में भी नमक है, तो नमक ध्यान से डालें। अब ये मैंने लाल वाली मिर्ची ली है, तीखी वाली लाल मिर्ची, इसको भी ध्यान से डालें, हल्का ही डालें। लास्ट में डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर। बस हमारे बड़े बनके तैयार हैं। ये मेरे पास आलू भुजिया है, तो थोड़ा सा इसको भी लगा देंगे। बस देखिए हमारे बड़े बनके तैयार हैं। तो कैसे लगी मेरी बड़े की रेसिपी, ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।